नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंसीज निकाली गई है। दोस्तों, यहां पर जो वैकेंसीज़ हैं ये टेक्नीशियन ग्रेड ए की हैं और यहाँ पर ये जो वैकेंसीज़ हैं DRDO में निकली हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कुल वैकेंसीज़ की तो कुल 351 जो है यहाँ पर पद रखे गए हैं। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है दोस्तों वो है Captain09/Tech A, ये जो है एडवर्टीजमेंट नंबर है। अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट डेट की या फिर उस डेट की जब से आपकी एलिजिबिलिटी मान्य होंगी तो यहाँ पर 26 जून जो 2019 जो है लास्ट डेट रखी गई है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर टायर वन एग्ज़ाम की, वो यहाँ पर काफ़ी जल्द जो है वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें हम एलिजिबिलिटी की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर अगर आपने 10th की है, उसके साथ ही साथ अगर आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है यानी ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यहाँ पर इन्होंने और कंडीशंस भी दिए हुए हैं कि जैसे आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, ये यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। और ये जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ये आपकी जो मान्य होंगी वो 26 जून 2019 से मान्य होंगी। अगर हम बात करें दोस्तों वैकेंसीज़ की तो यहाँ पर जो है लगभग सभी ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज डिवाइड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रेड या फिर डिसिप्लिन, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, बुक बाइंडर हो गया, कारपेंटर हो गया, कोप्पा हो गया, उसके बाद ड्राफ्ट्समैन हो गया, उसके बाद दोस्तों DTP ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिस्ट, उसके बाद यहाँ पर मैकेनिक डीजल, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, शीट मेटल वर्कर, टर्नर और वेल्डर। यहाँ पर दोस्तों सभी जो है ट्रेड्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, लगभग सभी में ITI यहाँ पर जो है कंपलसरी मांगी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो आप वैकेंसीज दे सकते हैं ये यहाँ पर जो है डिवाइडेड है और कुल जो है 351 वैकेंसीज रखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी जो एज लिमिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एज लिमिट आपका जो पे स्केल रहेगा वो 7th CPC के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें 28,000 आपकी जो है बेसिक सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अदर डिटेल्स की, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो गई, एज लिमिट हो गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप जो है मेडिकली फिट होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दोस्तों SC ST OBC को जो है रूल एंड गाइड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अप्लाई करने की तो आप जो है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 3 जून है और जो लास्ट डेट है वो 26 जून 2019 रखी गई है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपकी फ़ीस रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपीज़ रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। उसके बाद दोस्तों सभी वुमेन कैंडिडेट, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी जो है फ़ीस नहीं रखी गई है। जनरल मेल, OBC मेल, इनके लिए जो है फ़ीस रखी गई है जो कि 100 रुपीज़ है। आप जो है इसके लिए ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें टायर वन जो कि आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके एग्ज़ाम सेंटर की, तो कुल यहाँ पर 43 एग्ज़ाम सेंटर हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जो भी आपके नज़दीक हो वो आप जो है सेंटर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लगभग सभी मेन सिटीज़ दोस्तों यहाँ पर सेंटर आपके रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो सबसे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद टायर टू जो कि आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों अगर हम और डिटेल की, यानी आपकी जो एग्ज़ाम डेट है टायर वन की, तो वो काफ़ी जल्द जो है यहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएंगी। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएंगी मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को भी दबा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 28 साल आपकी जो एज मान्य होगी वो 26 जून 2019 से मान्य होगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों रिलैक्सेशन भी SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप 10th with ITI हैं तो आप जरूर से इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और DRDO में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि किस प्रकार आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।